परवेज इलाही, रासिख इलाही और जारा इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए गए। वफाक के वकील ने रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में पेश कर दी। सैंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, दरखास्त गुजार की ऑर्डिनेंस के तहत होने वाले तमाम इकदाम कलदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन की जेर सदारत, इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के मामले पर आज छठा इजलास होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसला किए जाने का इम्कान। हाईकोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त, अदालत ने नाकाबिले समाअत होने या न होने पर फैसला महफूज कर लिया। आजम शहबाज शरीफ अक्वामे मुत्तहदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। 27 सितंबर को जनरल असेंबली के इजलास में खिताब करेंगे। वजीर आजम अमरीका में मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत और दोस्त मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात करेंगे। IMF के मामलात हतमी मराहल में पहुंच गए। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मुआशी पॉलिसियों की तारीफ की है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। न्यूयॉर्क में वजीर आजम पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी से मुलाकात करेंगे। वजीर इतलात आता तारण की गुफ्तगु। ग्राउंड पर इसराइली हमलों में शहादतें 492 तक पहुंच गईं। 1600 से ज्यादा जख्मी हो गए। बैरूत पर हमले में हिजबुल्ला के सीनियर कमांडर अली कुर्की महफूज रहे। लेबनान में तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे। मिस्र ने आज से बैरूत जाने वाली तमाम परवाजें मंसूख कर दी। और लाहौर हाईकोर्ट में पुलिस ने इकदाम कत्ल के मुलजिम की फरार की कोशिश नाकाम बना दी।